और डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में क्लास 10 का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया आपके लिए। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, दे विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। उनको जरूर महसूस होगा कि क्वेश्चन यूजफुल क्वेश्चन हैं। हमने कोशिश की है कि ये थ्री क्वेश्चन हमने एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन को रखा है, और अगर ये एग्जाम में आया तो ये टू मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। दैट मीन दीज क्वेश्चन में कैरी टू मार्क्स इफ दीज आर इन एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन में हुआ तो। ओके, सो लेकिन हम लोग की कोशिश है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम आपके सिर पर हैं और जल्दी ही क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, सो उन क्वेश्चनों को के वीडियोस को अपलोड करें जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके अपनी पढ़ाई के बीच में जब इन क्वेश्चन को देखेंगे तो रिफ्रेश होंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प भी करेगा। ओके, आई फर्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर वी स्टार्ट इट ना, एक होता है कि हम जब इन क्वेश्चनों को करेंगे सो ओके एक चीज होता है कि जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो हमें इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए किस फॉर्मूले की जरूरत होगी। सो द फॉर्मूले की जरूरत होगी कि सपोज टू इक्वेशंस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, मीन हमें अगर टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है सो ये रेशियो जो है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, ये डिसाइड करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। सी अगेन, अगर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चनों की, क्योंकि हमने नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चन लिया है, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए ये तो इक्वल होना ही चाहिए, ये द फर्स्ट केस। नाउ अगर ये भी इक्वल है सो इनफाइनाइट, ओके, और अगर ये नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन। तो हम इन दोनों केसेस को भी यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिंपली क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ए वन बाई ए टू ये बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो क्यों ना क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करते हैं जो ज़्यादा इनमें से सिंपल है। नाउ सिंपल से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, जिसमें अगेन टू इक्वेशंस गिवन है, आपको सिर्फ पता कर रहा है कि क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन, और कॉन्स्टेंट है दैट मीन यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी ये इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन पैरेलल नो सॉल्यूशन और दिस इज फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो अगेन रेशियो लेते हैं, गिवन इक्वेशन, दीज आर द गिवन इक्वेशन। सो अगेन इसमें एक्स का कोफिशिएंट, यहां पर भी एक्स का कोफिशिएंट, यहां पर वाई का कोफिशिएंट, यहां पर भी वाई का कोफिशिएंट, और यहां नाउ अगेन कॉन्स्टेंट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म। सी वट वी ऑब्जर्व दैट ये है 1 बाई टू और ये है 3 बाई फाइव, सो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज सिंपली यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इट इज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन मीनिंग लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी हमने ये कंडीशन यूज किया कि ए वन बाई ए टू जो है वो बी वन बाई बी टू के अगर इक्वल नहीं है सिंपली यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आइए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है अगेन, हमें एम और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इक्वेशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या हो गया, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। सो अगेन हम लिखना क्या स्टार्ट करेंगे, क्यों ना इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन है 2m minus 1x plus 3y equal to 5 and the another equation is 3x plus n माइनस वन वाई इक्वल टू टू। हमें एक साथ इसे लिखा है के साथ एक, ताकि अब रेशियो लिखना है। सी नाउ कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज 2m माइनस वन बाई थ्री, वो इक्वल होगा 3 बाय n माइनस वन और वो इक्वल होगा 5 बाई टू के। ओके, सो लास्ट टू को अप्लाई करते हैं, हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं, 6 इक्वल टू 5n माइनस 5 और 5n इज इक्वल टू 11, सो n इक्वल टू 11 बाय 5। ओके, हम फर्स्ट और लास्ट को यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 4m, 2 टू जा 4m माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 15 के। सी हियर 4 2 2, सो नाउ 4m इक्वल होगा 17 के, सो m इज इक्वल टू 17 बाई 4। सो सी हाउ सिंपल क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन कितना सिंपल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज कांस्टेंट लाइन, और नो सॉल्यूशन दैट इज पैरेलल लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, सी अगेन आवर क्वेश्चन नंबर टू वेयर द इक्वेशंस आर वाई प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड हेयर इट इज टू पी माइनस वन एक्स प्लस पी माइनस वन वाई इक्वल टू टू पी प्लस वन। अब अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ये हमारा केस है नो सॉल्यूशन का, सो नो सॉल्यूशन मीनिंग ए वन बाई ए टू तो बी वन बाई बी टू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये सी वन बाई सी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं, यहाँ से ए वन यानी एक्स का कोफिशियंट, और एक्स का कोफिशियंट यहाँ थ्री है, यहाँ एक्स का कोफिशियंट है टू पी माइनस वन इक्वल, यहाँ अगेन वाई का कोफिशियंट वन है और यहाँ वाई का कोफिशियंट है पी माइनस वन, अगेन यहाँ कॉन्स्टेंट का कोफिशियंट है वन, वन क्यों लिख रहे हैं, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा और हेयर इट इज टू पी प्लस वन नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गिव्स अस थ्री पी माइनस थ्री इज इक्वल टू टू पी माइनस वन और पी इक्वल टू वेट इट इज माइनस वन प्लस थ्री विच इज टू। अब ये पी का वैल्यू टू आया, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, हम क्या करेंगे यहाँ पुट करके देखेंगे, यहाँ पर पुट करके देखेंगे ना, वन नॉट टू टू फोर वन फाइव विच इज नॉट इक्वल ना, यानी अगर हम टू को पूरे इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ रहा है, थ्री फोर माइनस वन थ्री ना इक्वल्स टू वन, टू माइनस वन वन नॉट इक्वल टू वन माइनस वन विच इज सिंपली ट्रू, सो देयर फोर द वैल्यू ऑफ पी इज टू, यानी जो पी का हमने टू वैल्यू निकाला है उसमें हमने इस कंडीशन में पुट कर दिया और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन दिस इज द केस ऑफ सिंपल नो सॉल्यूशन। सो डियर फ्रेंड्स, हमने लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स में जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उनके जो रूट्स का नेचर होता है, उनके जो एक्स और वाई के वैल्यूज का जो नेचर होता है उसको बेस उसके उस फॉर्मूले के बेस हमने थ्री क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जहाँ इसका जिसका सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आप इस तरह के और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।